लड़के को लव यू हो गया है, लव यू हो गया था। बताइए जब जब अपना बच्चा लव यू कर लेता है तो बहुत सारे बाप कहते हैं साली क्या करे हम नाक कटा दिए हैं, अगर दलिया में नमक तेज हो गया तो डंडा तो नहीं उठाओगे? अरे हमने तो कभी अपने घर वाले को डंडा नहीं उठाया, वो हमको उठा लेती है। तो भाई सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक में मेरे साथ एक लोग मौजूद हैं, आज इनके घर बच्चे की शादी है। बच्चे की शादी धनपतगंज ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराई जा रही है। ये मेरे साथ मौजूद है, मुझे मिल गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुहास चंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के। महाराज पंजाब के रहने वाले हो, दुल्हनिया यहाँ कहाँ से ले जा रहे हो? यहाँ बस मोहब्बत हो गई, वो काम करने के सी लड़का लड़की पसंद हो गया, हमें यहाँ ले आए शादी करने के लिए। तो ये बताओ लड़कवा क्या करता था? लड़का काम करता मंडी में, ये भी काम करने जाती थी। किस जगह काम करता था? ये गोविंदगढ़ में काम करते थे। लड़की? लड़की भी गोविंदगढ़ में काम करती। गोविंदगढ़ में जी। तो फिर मामला सेटिंग गेटिंग का हो गया क्या? सेटिंग हो गया, प्यार हो गया, शादी यहाँ हो रहा। लड़के को लव यू हो गया है? लव यू हो गया था। दोनों लव यू कर लिए। अरे वैसे तो होता नहीं कि प्यार मोहब्बत में अक्सर लोग कहते हैं कि घर वाले विलन बन जाते हैं। अरे क्या आजकल समा भैया, विलन का क्या मतलब, बच्चे खुश है तो हम खुश है। आप भी खुश हो? बहुत खुश है। ऐसा नहीं हुआ कि अरे ससुरों कहाँ एक लेके आओ तब भैया? क्या परेशानी, आजकल जात भाव खत्म हो गया है, जात बरादरी सब अपना बच्चा को सुखी रखो, जात बरादरी भैया। ये बताइए जब जब अपना बच्चा लव यू कर लेता है तो बहुत सारे बाप कहते हैं साली क्या करे हम नाक कटा दिए हैं। उनका दिमाग खराब है भैया, क्या नाक, अब माहौल ऐसा है, समय ऐसा है, जमाना पलट गया है, जमाने के साथ चलो। आप कौन सा ब्याह किए थे, लव मैरिज किए? नहीं नहीं, हमारी शादी तो हुई थी, हमें तो दुल्हनिया का 6 महीने मुंह भी नहीं दिखा था। और मतलब ब्याह को दुल्हनिया के मुंह नहीं देखे? नहीं नहीं, वो पुराने जमाने का बात है, 30 साल पहले का। तो अब अभी अभी जब उसको हो गया प्यार मोहब्बत हो गया तो फिर कैसे, कौन बताया कि यहाँ पर सरकार अब लीगल करा देगी? तो उनके माँ बाप यहाँ रहते हैं ना, बाप नहीं माँ बोली, माँ को बोला हम ऐसे कर देंगे, हमें मंजूर है जैसे मर्जी करो। सब मंजूर कर लिया है? मंजूर करा, बच्चा खुश हम खुश। अच्छा कैसे पता चला कि आपका बच्चा जो है प्रेम का चक्कर चला रहा धनपतगंज में? तो धनपतगंज में ये गोविंदगढ़ में था, उनसे ड्रेस बतलाया, बतला लिया, उन्हें अपनी माँ से बात की है, इधर हमसे होगा, चलो हम खुश है। पहली बार जब सुना तो कैसा लगा? कोई घबराहट नहीं होता है, पहले छोटे लड़के ने शादी करा वो भी लव मैरिज में। ऐसा नहीं लगा कि अरे आराम से शादी वादी कराते, आप दान दहेज भी मिलता आपको? अरे हमें दान दहेज से बहुत लाओ लगाव नहीं है, दुश्मन हम दान दहेज के, ना देना चाहते ना 1 रुपया लेना चाहते हैं। बहुत खुश हैं, गरीब का बच्चा मिल गया, उससे अच्छा क्या चाहिए हम। वाह, तो पंजाब के कहाँ रहने वाले हो? लुधियाना डिस्ट्रिक्ट शहर जगराऊं के। अच्छा लुधियाना में, लुधियाना में हम से आगे। अच्छा उससे आगे। तो ये बताओ अब तो यहाँ की बहू ले जा रहे हो, हमारे घर की बेटी ले जा रहे हो, वो सही बेटी क्या? हमारी बेटी हो गई अब तो, वही वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। हमारी बेटी है ये। अपने अगर दलिया में नमक तेज हो गया तो डंडा तो नहीं उठाओगे? अरे हमने तो कभी अपने घर वाले को डंडा नहीं उठाया, वो हमको उठा लेती है। तो भैया अगर नमक तेज हो गया तो वो ऐसा तो नहीं, हम तो खुद नमक तेज खाते हैं। बर्तन वर्तन तो नहीं मजबूत होता आपसे? अरे हमारा घर अच्छा है, VIP की तरह, वो नहीं हमारे जात बरादर वाली, कोई डंडे वाला बात नहीं, कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल खुश है हम, जैसे बच्चे खुश वैसे हम। हमारे सुल्तानपुर कुछ भवन की बिटिया को ले जा रहे हो, सही से रखना। अरे नहीं रखेंगे तो इसमें ऐड हो रहा भैया, समझ लेना। इतने लोग सब गवाह हैं यहाँ पर? अरे हम पूरा यूपी बिहार गवाह है। वाह, क्या काम करते हैं? हम बैंड बाजे का काम करते हैं। अभी तो बैंड बाजे काम करते हैं, बैंड बाजा बजवा दिए फिर तो। अरे ये सब आपकी यूपी वालों का मेहरबानी है। बाबा के बारे में क्या कहेंगे, योगी जी के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो भैया क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। तो ये पंजाब के रहने वाले हैं, इनके बच्चे को प्यार होता है धनपतगंज की लड़की से, और प्यार जब होता है तो ऐसे पिता है कहते हैं भैया प्यार हो ही गया है तो अब बहू भी बना लो। तो अब जो है ब्याह शादी करा रहे हैं सामूहिक विवाह समारोह में, और इसके बाद अब लेकर जाएंगे अपने घर पे। तो घर पे ले जाओगे तो फिर क्या कार्यक्रम होगा वहाँ? कार्यक्रम पार्टी होगी, 1-1.5 महीने के बाद सभी रिश्तेदार आएंगे। पड़ोसी पटीदार बोलेंगे भगा के ले आया तो? अरे हमारे ऐसा कोई नहीं कानून, ये जेत बाद बरा खत्म है सब कुछ। जिसका दिल मलो वो वहाँ शादी कर सकता है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं। और ऐसे पिता की जरूरत है, लेकिन ऐसी बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि पिता की पगड़ी को भी ध्यान रखे, कि पगड़ी ना झुकने पाए पिता की। अगर पिता आपकी मजबूरियों को समझते हुए आपकी खुशियों को आपके हाथ में दे तो आप भी बखूबी ध्यान रखें कि माता पिता की पगड़ी भी ना झुकने पाए। फिलहाल
आप बहुत अच्छे हैं, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सुल्तानपुर की बिटिया को अच्छे से रखिएगा भैया, हाथ जोड़ के। चलिए, तुम्हारा बेटी नहीं वो हमारा बेटी है, बस हर पिता की यही कामना होनी चाहिए, हर सास ससुर की यही कामना होनी चाहिए कि बहू जब जाए तो ये समझे कि उनकी बेटी उनके घर में गई है। तो इनसे बात किया, इनकी भावनाएं सोचकर आप सुनकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय में दीजिएगा। और धनपतगंज ब्लॉग में जो शादी समारोह हो रहा है, इसमें सामूहिक विवाह में आज तकरीबन 160 जोड़ों की शादी कराई जा रही है, जिसमें पंजाब के रहने वाले इनके बेटी की भी शादी यहां कराई जा रही है। कैमरा साथ में आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।